हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का पेपर। ये जो यूनिवर्सिटी ICAR अप्रूव यूनिवर्सिटी का ही पेपर है और ये आपका पेपर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप BSc एग्रीकल्चर अभी रनिंग है तो ये प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक अनुमान लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हो ये पेपर पूरा इंग्लिश में है। लगभग पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटी का 70-80% पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में आता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन का 15 नंबर की मार्किंग है। आपको इसमें से 3 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। मतलब जो भी आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसका क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना है, जलवायु के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, प्रकाश के आधार पर, खाद उर्वरकों के आधार पे। आपको जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसका क्लासिफिकेशन करना है। 15 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। लगभग आपको 2 से 3 पेज में इसे फिलअप करना है। सेकेंड नंबर का आपका बोल रहा है एलिबोरेटेड द प्लांट प्रोपोगेशन मेथड। मतलब कि जो प्लांट प्रोपोगेशन आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, जो आपका पौध प्रसार या पौधरोपण या पौध प्रसार की विधियों के बारे में आपको विस्तार से बताना है कि कौन कौन सी विधियों से हम पौध का प्रसारण करते हैं, उसके एग्जांपल। प्लस थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है राइट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चिड एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब होगा ऑर्चिड एस्टेब्लिशमेंट, मतलब हिंदी में होगा बाग स्थापन का सिद्धांत लिखिए। मतलब आप कहीं बाग को लगा रहे हैं या बगीचा लगा रहे हैं तो उसका क्या सिद्धांत रहेगा वहाँ लगाने का, मतलब किस प्रकार का नेचर रहना चाहिए, किस प्रकार की जलवायु रहना चाहिए, ये सब आपको इसमें लिखना है। फोर्थ नंबर का है आपका प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। मतलब इसमें आपको ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में आपको और उसकी विधि के बारे में उसका आपका संक्षिप्त में वर्णन करना है। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो प्रशिक्षण और काट छाट के सिद्धांत और विधियों का वर्णन करना है। फिफ्थ नंबर का डिस्क्राइब द इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड एंड। मतलब कि जो आपको जो इरिगेशन है और फर्टिलाइज़र, मतलब सिंचाई और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन की मेथड लिखना है। मतलब कि सिंचाई एवं उर्वरक प्रयोग की विधि एवं मात्रा का वर्णन कीजिए। मतलब किस फसल में किस प्रकार की सिंचाई करना चाहिए, कितना उर्वरक देना चाहिए और उसकी विधि और उसकी मात्रा का आपको इसमें वर्णन करना है। ये 5 क्वेश्चन थे आपके, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने थे, एक क्वेश्चन 15 नंबर का था। मतलब ये आपके टोटल क्वेश्चन 45 नंबर के थे, इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं हम, सेशन नंबर वी पे। तो सेशन नंबर वी है आपका अटेम्प्ट एनी 4, मतलब 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, राइट द प्लांट प्रोपोगेशन प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब पादप प्रसार की संरचना का अध्ययन लिखिए। जो प्लांट की प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, मतलब पादप प्रसार की संरचना, उसके बारे में आपको इसमें उल्लेख करना है। सेकेंड नंबर का आपका डिस्क्राइब द यूनिटी एंड फ्लावर ऑफ द डिफरेंस। मतलब कि जो युवा अवस्था और पुष्प कलिका के अंतर का वर्णन करना है। आपको युवा जो अवस्था होती है पुष्प की और जो पुष्प कलिका है फ्लावर बर्ड्स, उसके बीच के डिफरेंस को बताना, उसके बीच के आपको अंतर के बारे में लिखना है। थर्ड नंबर का आता है आपका डिफरेंट पोलिनाइजर एंड पोलिएंट्रस। मतलब आपको जो पोलिनाइजर है और पोलिनेटर्स के बीच के अंतर को आपको इसमें लिखना है। 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपको कुछ 4 क्वेश्चन करना है। 5 नंबर का, मतलब 4 क्वेश्चन है, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है यूज़ ऑफ प्लांट रेगुलेटर इन हॉर्टिकल्चर। जो 4th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है आपका प्लांट बायो इन हॉर्टिकल्चर रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर, इसका मतलब हिंदी में होता है बागवानी में पादप जैव नियामकों के उपयोग। लिखिए एने, मतलब आपके जो जैव नियामक होते हैं प्लांट बायो रेगुलेटर्स होते हैं उनका हॉर्टिकल्चर रेगुलेटर्स जो होते हैं आपके उनका ये हॉर्टिकल्चर में क्या उपयोग है उसके बारे में आपको लिखना। मतलब कौन कौन से आपके पादप नियामक होते हैं प्लांट रेगुलेटर्स, उनका हॉर्टिकल्चर में क्या क्या महत्व है उसके बारे में आपको लिखना है। 5th नंबर का आपका है फर्टिलाइजर फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन और ये पार्थेनोकार्पी, मतलब निषेचन और पार्थेनोकार्पी के बीच आपको अंतर लिखना है। लगभग 10 से 15 अंतर तो आपको लिखना निषेचन और पार्थेनोकार्पी के बीच में, मतलब निषेचन क्या है और पार्थेनोकार्पी क्या है, इसके लाभ उसकी हानि, आपको इसे अंतर में वर्गीकरण करना है।
सिक्स नंबर का आपका क्वेश्चन है क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रहती है, बागवानी फसल रहती है, उसके लिए किस टाइप का क्लाइमेट होना, किस प्रकार की सॉइल होना, मतलब कि बागवानी फसल की जलवायु और मिट्टी के बारे में विस्तार से बताइए, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए किस प्रकार की सॉइल चाहिए और किस प्रकार की जलवायु चाहिए, इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। अब हम आते हैं जो डेफिनेशन टाइप रहता है आपका, अटेम्प्ट एनी फाइव सेवन दिए हैं आपको, इसमें से कोई सात को वो सात दिए हैं, इसमें से पांच को आपको डिफाइन करना है, उसके बारे में लिखना है विस्तार से। मतलब जो अफलन होता है, निष्फलता, मतलब जिसमें जैसे आप आम में देखने को आपको मिलता है एक साल फ्लावरिंग होती है एक साल नहीं होती है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। सेकेंड आपका मेडिसिनली एंड एरोमेटिक प्लांट, मतलब कि जो औषधि पादप है और सुगंधित पादप है जिनसे आपको सुगंध आती है, उन पादप मतलब उन प्लांटों के बारे में डेफिनेशन प्लस प्लस एग्जांपल के तहत आपको डिफाइन करना है, बताना है। थर्ड नंबर का पोलिनेशन, टू टाइप्स थ्री टाइप के पोलिनेशन होते हैं आपका, पर परागण स्वपरागण, किस फसल में कौन सा परागण होता है, सबसे ज़्यादा परागण किस फसल में होता है, वायु परागण एयर पायुग्रहण, और जो आपका जल के द्वारा भी पोलिनेशन होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फोर्थ नंबर का है आपका स्पाइसेस एंड ऑर्निमेंटल्स, मतलब कि जो मसाले वाली फसल होती है और जो सजावटी पौधे होते हैं उनकी परिभाषा उनके एग्जांपल सब आपको लिखना है। फिफ्थ नंबर का सबसे सरल लगता है मेरे हिसाब से तो किचन गार्डनिंग, जो आपके घर के पीछे आपके जो बैकवार्ड रहते हैं उसमें हम घर का जो उपयोगी वाटर रहता है उसका यूज़ करके हम जो भी कल्टीवेटेड करते हैं उसे किचन गार्डनिंग कहते हैं, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। सिक्स्थ नंबर का टाइप ऑफ गार्डन एंड पार्ट, मतलब कि जो भी बगीचे होते हैं उसके प्रकार लिखना है और उसके प्रकार लिखना है। सेवन्थ नंबर का आता है आपका लॉन मेकिंग, ऐसी जगह जो कोई काम में नहीं आती उसमें हम दूब घास लगा देते हैं और उसको बहुत ही सजावटी बनाते हैं, तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें हमें मेकिंग करना है, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो आई होप आपने ये जो पेपर देखे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल मिला होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, ICAR अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी का पेपर है, अगर आप बोलो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस तो उसका भी पेपर हम लाएंगे, तो आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।